हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैं स्विट्जरलैंड और फ्रांस में ट्रैवल कर रहा था, और अब हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं एम्स्टर्डम से। हे गाइस, वेलकम बैक। और फाइनली मैं जो हूँ रॉटरडम आ गया हूँ। और रॉटरडम में मौसम तो हालांकि बहुत साफ है, परंतु ठंड बहुत है। और पहले मैं अभी अपने होटल से बाहर निकला, देखिए ये मेरे पीछे जो है ये मेरा होटल है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, डैन हैग नाम है इस होटल का। और ये डैन हैग एरिया है, उसके वहाँ ये होटल लोकेटेड है। बट गाइस, ठंड जो है माशाल्लाह बहुत है। और थोड़ा सा सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि रॉटरडम में क्या कुछ है करने के लिए। रॉटरडम में जो है हम लोग 5 दिन रुकने वाले हैं, और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं डिनर में। हमारे कलीग ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये रॉटरडम सेंट्रल है जहाँ पर हम लोग आज डिनर करने आए हैं। और यहाँ भी दोस्तों, जैसा स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा था कि 9:30-10:30 बजे तक दिन निकला रहता है, और सेम सिचुएशन रॉटरडम में भी है। और यहाँ पर इस समय जो है 7:30 बजे, और आप बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो कि कैसा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और यूरोप में आज मेरा तीसरा दिन है। जैसा कि आपको मालूम है, मैं इस समय होलैंड में हूँ। होलैंड में यूरोप में ये मेरा तीसरा दिन है, और इस वक्त जो है मैं हूँ होलैंड में हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं बस नहा धो के तैयार हुआ हूँ, और यहाँ पर जो टाइम है वो है 9 बजने वाले हैं। इंडिया में शायद 12:30 बजे होंगे। तो दोस्तों, संडे का दिन है, आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ट्यूलिप शो में जाने वाले हैं। होलैंड में ये जो ट्यूलिप शो है, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन, जो एक इवेंट होती है, केवल एक महीने के दौरान होती है। ये एक वंस अपॉन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि लोग जाते हैं और ट्यूलिप शो को देखते हैं। तो संडे का दिन है, तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं। शाम को एक डिनर है, और मैं कोशिश करूँगा कि आसपास का कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं ट्यूलिप शो में, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। सो फाइनली वी हैव कम एट कोकनॉफ, जो कि फेमस है ट्यूलिप शो के लिए। और फाइनली जो है, मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पे दिखाता हूँ। यू पीपल विल लाइक दिस प्लेस वेरी मच। मेरे बैकग्राउंड में देर आर वेरी वेराइटी ऑफ ट्यूलिप आउट हियर, एंड यू कैन सी। ट्रिप टुडे, बिकॉज हम लोग जो है काफी ट्यूलिप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पर। एंड हियर इज माय फ्रेंड डेविड। डेविड, यू लुक अमेजिंग इन दिस वीडियो। ट्यूलिप शो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ट्यूलिप शो में, और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी वैरायटी है ट्यूलिप की। मतलब कैमरे में मेमोरी कम पड़ जाएंगी, और ट्यूलिप शो में ट्यूलिप ख़त्म नहीं होंगे। अभी तो हमने बस शुरुआत ही करी है, और इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी। ये एक बकेट लिस्ट है, अगर आप हॉलैंड में हैं और ट्यूलिप शो
नहीं अटेंड करते तो गाइस आप लोगों ने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो अभी एक्साइटमेंट फुल ऑन है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अपनी यूरोप यात्रा को जब मैं प्लान कर रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो कौतूहल था वो था ट्यूलिप गार्डन को लेकर, क्योकनेफ जो एक हॉलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्यूलिप की अनेक प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर पैदा होती है। तो वी आर गोइंग टू हैव सम स्नैक्स, थोड़ा स्नैक खाने हम जा रहे हैं। और दोस्तों, एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है ये ट्यूलिप शो का हॉलैंड में, रॉटरडम में। और वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अचानक से हमारी नज़र एक बैंड के ऊपर पड़ी है जो कि डच म्यूजिक बजा रहे हैं। सोचा कि चलो लेट्स एक्सप्लोर द म्यूजिक और थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद उठाया जाए। एंड दिस परफॉर्मेंस लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स टेक अ पिक्चर। There are few beautiful ladies out here, so we are just going to take a picture with her. come you join us. Come you join us. Wow. मैं एक ऐसी लोकेशन पर आ गया हूँ जहाँ से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी डच विलेज में आ गया हूँ। देखिए, पीछे का जो नज़ारा है वो काफ़ी आकर्षक है। और देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट आउट हियर, सो आई एम गोना गिव यू अ लिटिल टूर। मैं थोड़ी जगह का एक टूर कराता हूँ आपको। वी आर गोइंग फॉर ए बोट राइड और ऐसा लगेगा जैसे किसी डच विलेज में हम लोग सफारी करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ इस एडवेंचरस ट्रिप को आगे लेके चलते हैं। और ये मेरे पीछे देखिए, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है पीछे की ओर से। और ये एक पूरी कंट्री साइड है जहाँ पे ट्यूलिप उगते हैं। और यहाँ पर केवल एक ही महीना ये ट्यूलिप जो है वो ब्लॉसम होते हैं, जो उगते हैं या ग्रो करते हैं इसी सीज़न में, इसके बाद ये नहीं मिलते पूरे साल भर। तो इट्स वेरी एक्साइटेड। तो दिस इज समथिंग रिमाइंड मी यश चोपड़ा की पुरानी फिल्में, जहाँ पर अमिताभ बच्चन और रेखा के गाने फिल्माए जाते थे। दिस इज वेरी नाइस व्यू। सो टुडे विद मी डेविड इज गिविंग मी द कंपनी बैक बिहाइंड कैमरा आउट देयर एंड वी आर गोइंग टू गेट cover some amazing shots using my camera skills. I don't know how it is, but you guys will tell me on the comment section that how I have shot this video. सो गाइस, फाइनली डे हैज़ कम टू से गुड बाय। काफ़ी एक्साइटेड दिन था और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी है। और अभी टाइम आ गया है, मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल
की प्रॉमिस यू, मैं आपको बहुत जल्द एक अलग डेस्टिनेशन पर लेकर जाने वाला हूँ। कल हमें जाना है ऑफिस, तो थोड़ा ऑफिस का काम करेंगे और शाम को हो सकेगा तो मैं आपको अपने होटल के आसपास की लोकेशन एक्सप्लोर करूँगा और आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, मैं आपसे मिलता हूँ अगले दिन। बाय बाय।